हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओपन की एक और न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? तो फिलहाल अभी बहुत सारे लोग MT-15 के बारे में पूछ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि MT-15 कब लॉन्च होगी, MT-15 अभी तक नहीं आई है, जनवरी आधा निकलने वाला है, मतलब आधा तो नहीं, खैर निकलने ही वाला है जनवरी। फिर भी अभी MT-15 की कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो आप सभी को बता देता हूँ कि वीडियो आखिरी तक देखना, आखिरी तक मैं इस वीडियो में MT-15 की लॉन्च डेट को बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी वीडियो में हम बताते हैं कि MT-15 में क्या नए फीचर आने वाले हैं और कौन सा जो फीचर है वो ऐड होने वाला है और क्या चेंजेस होने वाले हैं MT-15 में। तो वो सब हम अभी इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन वर्जन MT-15 में जो नई नई चीज़ें आने वाली हैं उनको मैं बता देता हूँ। जैसे कि USD फोक्स आने वाले हैं, जो अपसाइड डाउन फोक्स इंटरनेशनल वर्जन में आते थे, वो इंटरनेशनल वर्जन वाले USD फोक्स अब इंडियन वर्जन में भी आने हैं। और डुअल चैनल ABS, जो कि इसमें एक बहुत ही खास बात थी, मतलब इसमें डुअल चैनल ABS नहीं आता था, जिसकी वजह से ये बाइक बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो डुअल चैनल ABS अब इंडियन वर्जन MT-15 में आने वाला है। और इसके बाद बात करें एल्यूमिनियम स्विंग आर्म की, तो जो इंटरनेशनल वर्जन में एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आता है, वो अब इंडियन वर्जन MT-15 में एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आने वाला है, जिसकी वजह से MT-15 का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। बात करते हैं बाइक के ओवरऑल लुक की, तो लुक में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। MT-15 जो 2021 मॉडल थी, सेम उसी लुक में, बस कलर वगैरह चेंज होंगे, ग्राफिक वगैरह थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसी लुक में MT-15 2022 लॉन्च होने वाली है। MT-15 की सीट भी अब थोड़ी सी बड़ी करने वाले हैं, मतलब सीट में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा और फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी 1 लीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब फ्यूल टैंक 11 लीटर का हो जाएगा। और इसके मीटर कंसोल को भी बदलने की तैयारी चल रही है, मतलब इसका मीटर कंसोल भी आपको बदला हुआ नजर आने वाला है। जैसा कि R15M और R15V4 में आपको मीटर कंसोल देखने को मिला था ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला, वही मीटर कंसोल अब आपको MT-15 2022 V2 मॉडल में देखने को मिलेगा। MT-15 का जो माइलेज है वो कंपनी 55 क्लेम करती है, लेकिन फिलहाल बाइक अभी 45-50 का माइलेज देती है, तो हो सकता है कि माइलेज में भी वो कुछ करें। तो बहुत शानदार माइलेज अभी बाइक निकाल के दे रही है, तो माइलेज में कोई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाइक 50 माइलेज आराम से निकाल लेती है यदि कोई रफ राइडर नहीं है, क्योंकि रफ राइडर को बाइक 35-40 या 40-45 माइलेज भी निकाल के देती है। तो यदि आप गाड़ी अच्छे से चलाते हो तो बाइक आपको अच्छे से माइलेज देगी, यदि आप रफ चलाते हो तो आपको वैसा ही माइलेज मिलने वाला है। बाइक के फ्रंट लुक में कंपनी कोई भी बदलाव नहीं करने वाली, क्योंकि उस लुक के कारण ही बाइक की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, तो उस कारण बाइक फ्रंट लुक में कोई भी बदलाव नहीं करेगी। इंडिकेटर्स हो सकता है LED कर दिए जाएं, लेकिन अभी LED इंडिकेटर्स हमें MT-15 में देखने को नहीं मिले हैं, हो सकता है कि LED इंडिकेटर्स भी आ जाएं। इन सब चीज़ों के कारण, मतलब जो MT-15 2022 में बदलाव होगा उसके कारण 10,000 से 15,000 तक MT-15 की प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब अभी तक MT-15 1.72 लाख की ऑन रोड पड़ती थी और 1.45 लाख की एक्स शोरूम प्राइस पड़ती थी, तो अब इसमें मुझे लगता है 1.60 प्राइस जो होगी वो एक्स शोरूम प्राइस होगी और 1.90 लाख जो प्राइस होगी वो एक्स ऑन रोड प्राइस हो सकती है। बात करते हैं बाइक के लॉन्च डेट की, तो बाइक फरवरी के लास्ट तक आपको डिलीवर हो जाएगी और इसकी बुकिंग है जो जनवरी के एंड तक आपको बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।